गई सरिता, आ गए को आज टाइम नहीं लग रहा था। जा रही हूँ शादी में स्पेशल और बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले से ज्यादा गोरी नहीं हूँ, चेंज करके ये बार अच्छा ज्यादा फंकी कलर जैसी एकदम रेड रेड हो। कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट। हेलो माय ड्यू फैमिली, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ, मतलब पहुँचने वाली हूँ, जस्ट रेडी होके। रात भर का सोना नहीं हुआ तो बस ऐसे ही चल रहा है, लगा लिया मैंने मेरे नेल्स। अब मैं पहुंचने वाली हूँ निशा लांबा जी के सैलून, क्योंकि मुझे जाना है शादी में, तो शादी में जाऊं और निशा लांबा के पास बिना है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज देखती है निशा जी क्या करके मेरा लुक कैसे क्या करके चेंज करती है। तो एंड तक बने रहना व्लॉग में, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैक टू बैक बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाली हैं। एक से बढ़ के एक व्लॉग से मेरे पियर की शादी दिखाऊंगी, प्रॉपर हमारी शादी, हमारे रिचुअल, सारी चीजें दिखाऊंगी। तो व्लॉग को एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी मेरे पियर फैमिली के मस्ते दिखाऊंगी, ठीक है। सो व्लॉग में बने रहना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं हम निशा लांबा जी के पार्लर। ओ मेरी प्यारी प्यारी सरिता आ गई है और कितनी क्यूट लग रही है डार्लिंग। अभी तो मुझे निशा जी और क्यूट बनाएगी। अरे मेरा नसीब अच्छा, मैं तो वेट कर रही थी। थैंक यू सरिता, पहले तो थैंक यू बहन, क्योंकि सरिता को आज टाइम नहीं लग रहा था, कल आना था, बट मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने एक बार बस बोला और मेरी बहन मान गई। नहीं मेरे को जब भी निशा जी के पार्लर आना है तो निशा जी चाहिए मुझे। नहीं और आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, बहुत कोऑपरेटिव हो। थैंक यू वेरी वेरी मच। पीछे दिखाओ बालों की हालत, आज हम बालों को रिफ्रेश करने जा रहे हैं और सरिता को थोड़ी सी लेंथ ज्यादा चाहिए, तो हम देखते हैं लेंथ पे वर्कआउट करते हैं, क्योंकि हाँ मैं जा रही हूँ शादी में, मेरे घर के फंक्शन में। तो शादी में जाऊँ और निशा जी के पार्लर नहीं आके जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आज हम करेंगे फेशियल, प्रोटीन एंड कलर, कलरिस्ट डिसाइड करेगा कौन सा वाला शेड देंगे और बाल करेंगे। यस लैशेस भी डालेंगे। हाँ जी हाँ जी, सो स्वीट यू आर। सो बाल रखते हुए कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई? नहीं, आपके बालों से दिक्कत होती है कभी? अरे और फेशियल आपने करवाया था मेरे पास, सुपर्ब 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 सुपर्ब। बात करते हैं, अभी हम सरिता दी का करेंगे फेशियल और बहुत अच्छा लगता है इनका काम करके, हम इनका वेट करते हैं। और मैं खुद भी कि बस मुझे अगर कहीं भी कुछ भी कराना हो तो मुझे निशा जी के पास ही आना। और इतनी प्यारी है, इन्होंने इतना प्यार दिया नीले साठ सॉन्ग को, बल्कि मैं डिले हो गई थी क्योंकि मैं टेंशन में चली गई थी, इन्होंने मेरा उस टाइम पे, मैं इमोशनली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, अपने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू वेरी ऑलवेज आई लव। और आज भी ये गाना हम नीले साठ पे जरूर बनाएंगे। बड़ी तो इनका कैबिन रेडी हो रहा है, लड़की लेके जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, और आज हम करेंगे दी के फेस पे पेप्टाइड में ही सुप्रीम लेवल का फेस शॉर। तो रिजल्ट के लिए वेट करें, और इसका कोई केमिकल पील नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गोरी चिट्टी बिल्कुल है, पर इनके फेस पे थोड़ा डलनेस आ गया था क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा। तो आप जो फेशियल कराते हैं उसमें और इसमें आपको कुछ फील हुआ चेंज ऑफ एल्गाइन या फिर कोई जली? मैंने तो फेशियल नाम मात्र ही निशा जी से गई हूँ, so, मैं भरोसा नहीं करती मेरे फेस का कहीं पे भी। तो मैंने मेरे बालों को दिया, बालों से 100% रिजल्ट आया, तो मैंने मेरे फेस को निशा जी को दे दिया। थैंक यू, आप जानो आपका फेस जानना। और हम इनका फेस बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी गलत यूज करने से बहुत रिएक्शन आ जाते हैं, इसीलिए मैं कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगाती। हाँ और सबसे अच्छे मुझे नेचुरल ब्यूटी है, ये कोई मेकअप नहीं करती है, ये इतनी सुंदर है। मेकअप करने से मेरा थोड़ा और खराब हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि 100% गारंटी है, आप ये वाला फेस वॉश, ये वाला सनस्क्रीन मतलब SPF और ये वाला नाइट क्रीम,
बेझिझक यूज कर लेना, मैं पर्सनली खुद यूज करती हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं ऐसा, जैसे मैंने खुद बाल लगाए हैं वैसे ही मैंने ये तीनों खुद यूज किए हैं और आज भी आपको मेरे पर्स में मिल जाएगी SPF, मैं यही यूज करती हूँ। पुराने ब्लॉग देखोगे उसमें भी आपको देखेंगे कि मैं सनस्क्रीन हमेशा यूज करती हूँ। लास्ट 6-7 ईयर्स हो गए, मुझे बहुत पूछती है कि क्या लगाती हो, नॉर्मल फेस वॉश, सनस्क्रीन और कुछ नहीं, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं। अब बस मैंने मेरा वो वाला फेस वॉश चेंज करके ये वाला अपना लिया और इससे लास्ट हो गए मेरे को 1.5-2 महीने। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। एक बोतल खत्म हो गई और दूसरी लेके जा रही हूँ फिर से। अगर आपका फेस बहुत रेड होता है, फेस में से हीट निकलती है, सेंसेशन रहती है या कुछ भी लगा के आपके फेस पे रैशेज आ जाते हैं, बहुत ऑयली फेस है, तो ये बहुत अच्छा फेस कूलिंग करेगा एकदम, जैसे इसमें लिखा हुआ ना आई साइज, वैसा ही फील करेगा एकदम कूलिंग, ठंडा ठंडा फेस फील करेगा, बहुत अच्छा। अगर आपको हीट निकल रही है, रैश हो रही, ब्लैक होने से बचाएगा, धूप से आपके फेस को बचाएगा 98%, और इससे आपको ऑयली भी नहीं लगेगा, स्टिकी भी नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों के लिंक मिलेगा, नंबर, लिंक, सारी चीजें मिलेंगी, आप चेक कर लेना। और मेरे पास ही आ जाना जी, आना धोनी के पास है ये चीजें। थैंक यू। उसमें क्या हल्का सा प्रगंड है, नीचे ओमर इफेक्ट में, ऊपर थोड़ा सा डार्क रेड में रखेंगे, नीचे लेंथ में थोड़ा लाइट रेड, दो कलर में करोगे? हाँ, अच्छा लगता है, चल भी रहा है। नहीं ज्यादा नहीं, वो फंकी मेरे वाले में दो कलर नहीं चलेंगे, फंकी दीदी के ऊपर अच्छे नहीं लगते। हाँ। मेरे को एक कलर ही आपको देना, फंकी नहीं अच्छे लगते हम, सॉफ्ट कलर्स, कंप्लीट एक कलर तो कंप्लीट पे सेम ही रखते हैं यार। हाईलाइट डाल दे। हाँ नहीं, मेरे वाले में हाईलाइट नहीं, सेम ही रखते हैं ना फिर ये वाले। नहीं तो फिर क्या मतलब हुआ, फिर कुछ चीज नहीं करो, भी ब्रांडी डाल लो। ये मैं डालता हूँ आपके बालों में, ये एक्सटेंशन डाल देता हूँ, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, लुक भी चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें तो ज्यादा दिखेगा, ज्यादा विजिबल भी नहीं होगा। ये ग्लोबल, ये एक्सटेंशन, 2D सा इफेक्ट है, ये सारा आपके ऊपर है, मेरे को सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर लगेगा। हाँ बस आप जो करोगे वो परफेक्ट है। ज्यादा फंकी कलर दीदी को पसंद नहीं आएंगे, डबल कलर आप बता दो, फंकी कलर पसंद नहीं करेंगे हम लोग। एक नंबर की लिफ्टिंग ही बहुत है, क्योंकि वो जरा से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। सो अभी हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं, हल्का सा रेडिश कलर, रेड कलर, रेड में ही हम लोग फैमिली प्लान करेंगे। और यही टीजर है, मुझे तो गोरखती दूध जैसी, मलाई जैसी, एकदम रेड रेड हो गई, बहुत बहुत। लास्ट टाइम जो फेशियल था उससे अलग था, तो इसमें और उसमें क्या फील आया, और ज्यादा फेयरनेस, और गोरी हुई, मैं गोरी हो गई, स्मूथनेस, क्योंकि फेस में रैशेस ना आए। हाँ, इस वजह से हमने वर्कआउट किया। तो ये सरिता जी के फ्रंट की लुक है, और मैं गिरते गिरते बची, आगे होना मेरी जान, हादसा होते होते बचा, हादसा होते होते बचा। और मैं तो कहूँ, मैंने तो इन लोगों को जानू ये भी बोल रखा है कि मैं गिरूँ तो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करो, छोड़ना मत कोई भी अटेम्प्ट। तो अभी हमारे बाल हैं पीछे से, और यहाँ से हमने स्टार्ट की थी एक्सटेंशन, अब आज यहाँ पे भी आ गए हैं। तो दी के बाल ऊपर से तो बहुत अच्छे, नीचे से ही डेड हो जाते हैं। वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. बैक विद द फाइनल रिजल्ट। और हमने दीदी के बालों में, मेरी जान के बालों में बाल लगा दिए, एक्सटेंशन लगा दिए, और इस बार थोड़े लंबे बाल लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सीरियसली आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये लेंथ थोड़ी लॉन्ग है, और इस बार हमने कलर भी हल्का बर्गंडी में ही प्लान किया है, और उसमें बीच बीच में रिफ्लेक्शंस ऑफ रेड है, नीचे थोड़ा रेड दिखेगा, ऊपर थोड़ा सटल बर्गंडी दिखेगा, तो क्या 2D समथिंग है ना। हाँ, 2D रिफ्लेक्शन। हाँ, 2D रिफ्लेक्शन। और इनको हमने दीदी के सामने ही, सरिता जी के सामने ही हमने इनको स्ट्रेट किया, कलर किया। नहीं वो ये तो प्रॉपर ह्यूमन ही है, प्रॉपर, कोई डाउटफुल नहीं है, मतलब आपको लगा कैसे फील ही नहीं होगा कि आपने, लोग बोलते हैं ना ये तो नकली बाल है, नहीं है नकली बाल, लगा के देख लो ओरिजिनल वाली फील आएगी, और उससे ज्यादा बढ़िया बाल है, ज्यादा बढ़िया बाल है, कोई नकली बाल नहीं है, फील आएगी ओरिजिनल वाली, बेस्ट है बेस्ट। और मैं पीछे से दिखाना चाहूंगी तो आगे की ब्लेंडिंग है, और मैं अभी चेयर को पीछे की तरफ भी रोटेट करके दीदी के बाल दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ हेयर, आपको देखिएगा बाल सारा पूरा ब्लेंड है, और बीच बीच में हाईलाइट्स का रिफ्लेक्शंस है, और ऐसे हम स्ट्रैंड्स को अटैच करते हैं, और बालों में अटैच करके इनको रिफिल किया जाता है या रिफ्रेश किया जाता है।
और कलर करना हो तो कलर किया जाता है। ये 100% ह्यूमन हेयर है। कई लोग कहते हैं कि पोनी नहीं बना सकते क्या, आप बिल्कुल पोनी बना सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि एक बार कैमरा प्लीज़ आगे लेके आए, ये देखिएगा, आप बिल्कुल पोनी बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट आपको पोनी से नहीं दिखेगी और रिफिलिंग के टाइम पे भी आपको कोई पेन ऐसा नहीं होगा। आपको रिफिलिंग में कोई प्रॉब्लम होगा मेरे जाना। और पोनी नहीं, आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, कोई भी। और आपको तो ये बाल रखते हुए मोर देन वन ईयर मोर देन दैट, सो आपको बाल रखने में स्टाइलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती हो नहीं घर पे? क्योंकि मैं तो और अच्छे हो गए हैं। हाँ। तो टेंशन ही नहीं है, लंबे लंबे बाल है, कुछ भी कर सकते। क्योंकि सरिता जी ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करते, बड़ा सिंपल रहती है। और मैं तो बहुत ज्यादा खुश कि बस परफेक्ट हेयर जो मुझे चाहिए थे वैसे हेयर निशा ने दे दिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू डार्लिंग। इसको भी अटैच करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, प्लीज आप बोलो, फ्रेंड्स को कॉल कर। आप लोगों को बता दूं कि किसी को भी बेझिझक अगर हेयर एक्सटेंशन करवाना है तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ निशा लांबा के पास आना। बेस्ट ह्यूमन हेयर है, 100% गारंटी है, मतलब मेरी खुद की गारंटी है। इनकी तो अपनी अलग होती है, मेरे खुद की गारंटी है। जो मेरे फॉलोअर्स है वो बेझिझक आके ज्वाइन कर सकती है। और जो सरिता दी का कोड यूज कर रहे हैं, उनका ब्लॉग देख रहे हैं, वो आएंगे और इनके ब्लॉग का स्क्रीनशॉट लेके आएंगे तो 10% डिस्काउंट पर उनको। वाह, और क्या चाहिए, 10% डिस्काउंट। सरिता जी के ब्लॉगर होने चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, सरिता जी के ब्लॉगर होने चाहिए। घर आ गई है बारिश, अब आगे बैक टू बैक बहुत अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो मिस मत करना। बाय।